तो फ्रेंड्स, एक सोनी का एलईडी टीवी का एडोप्टर था जो कि खराब हो चुका था। 19.5 इसका रेटिंग वोल्टेज है और 3.08 एम्पियर इसका पावर रेटिंग है, तो ये खराब हो चुका है। तो ये अगर मार्केट से आप ओरिजिनल खरीदने जाएंगे तो 1000 रुपया या फिर 1500 रुपया पड़ सकता है। लेकिन आप अगर पुराना ऐसा डेल का या फिर लेनोवो का कोई भी अगर मदरबोर्ड जो कि डेल का या फिर कोई भी ब्रांडेड जो भी लैपटॉप होता है उसका चार्जर भी आप इस एलईडी टीवी की चार्जर के जगह यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको मिलता है 19.5 वोल्ट की रेटिंग और 3.34 एम्पियर का इसका पावर रेटिंग। थोड़ा सा ज्यादा है तो ये अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इस पिन को आपको पुराना वाला जो एडोप्टर है उससे आपको खोल के यहाँ पे लगा देना होगा। अगर आपका 19.5 वोल्ट का कोई भी एडोप्टर चाहिए तो आप कोई भी लैपटॉप का एडोप्टर यूज कर सकते हो। तो लैपटॉप में आपको तीन वायर मिलेगा, एक आईडी पिन होता है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो ग्राउंड होता है। तो कुछ इस तरीके का कोई भी आप यहाँ पे आईडी पिन को आपको खोल के आईडी पिन की आपको कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की जरूरत है जो कि आपको इसका वायर का कनेक्शन के साथ लगा देना है और आपका टीवी ओके हो जाएगा और आप इससे टीवी चला सकते हो। तो मैंने इसको कुछ मॉडिफिकेशन किया है, ये वायर को मैंने यहाँ पे लगाया और ये टीवी के लिए टीवी पे यूज के लिए तैयार है। ये सोनी टीवी पे लगेगा 19.5 वोल्ट। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना।